टीम इंडिया वर्ल्ड कप के बाद अपने नए अभियान में जुट गई है। इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप को लेकर अपनी तैयारियां कर रही है, जिसे देखते हुए टीम नए खिलाड़ियों को आजमा रही है कि कौन सा खिलाड़ी टीम के लिए वर्ल्ड कप में सही साबित हो सकता है। टीम अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही है। बात करें खिलाड़ियों के प्रदर्शन की तो टीम के बल्लेबाजों ने तो शानदार खेल दिखाया है, लेकिन गेंदबाजी थोड़ी खराब दिखी है। अभी तक खेले गए तीनों मैच में टीम के सभी बल्लेबाजों ने शानदार खेल दिखाया है, लेकिन हम बात करेंगे उस खिलाड़ी के बारे में जिसकी चर्चा पूरे क्रिकेट जगत में है। जी हाँ, इस खिलाड़ी को लेकर सबसे बड़ा बयान सामने आया है, और वो भी उसके जुबानी जिसकी पारखी नज़र खिलाड़ियों को बखूबी जानती है। ऐसा कहने के पीछे कई वजह भी हैं। आपको बता दें, जिस खिलाड़ी ने सुर्खियां बटोरी वो ऋतुराज गायकवाड़ है, और इनके ऊपर बयान देने वाले टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज आशीष नेहरा हैं। टीम इंडिया के पूर्व गेंदबाज का कहना है कि गायकवाड़ के पास इतनी कला है कि वो इंडिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलेंगे। इसके पीछे की वजह गायकवाड़ का हालिया प्रदर्शन भी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में गायकवाड़ ने जिस तरह से स्टार्ट लिया और इसके बाद अपना गियर चेंज किया, उसने साबित कर दिया कि गायकवाड़ को परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना आता है। गायकवाड़ की बल्लेबाजी में वो गंभीरता दिखती है जो एक खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। नेहरा ने कहा कि मुझे गायकवाड़ के अंदर वो प्रतिभा दिखती है जो कि उनको तीनों फॉर्मेट में खेलने में मदद करेगी। नेहरा ने जियो सिनेमा पर कहा कि जिस तरह का टॉप ऑर्डर शुरुआत गायकवाड़ देते हैं, उससे टीम को बहुत मजबूती मिलती है, और वो T20 में भी बड़ी बड़ी पारियां खेलते हैं, जिससे साबित होता है कि वो वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भी लंबी इनिंग्स खेल सकते हैं। आपको बता दें, गायकवाड़ ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 में शानदार बल्लेबाजी दिखाई थी। गायकवाड़ ने 57 गेंदों पर शानदार 123 रनों की पारी खेली। इस पारी में गायकवाड़ के बल्ले से 13 चौके और 7 छक्के निकले थे। गायकवाड़ की बैटिंग में वो झलक दिखी जो एक बड़े खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए।